अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन. स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर विल कंटिन्यू आर रिवीजन दैट वी हैव स्टार्टेड इन आर प्रीवियस लेक्चर्स. राइट, आज हम कुछ नई चीज़ें देखेंगे. हमने लास्ट लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन की थी और एज अ होल मैंने आपको एक असेसमेंट दी थी जो कि चैप्टर नंबर 1 को कवर करी थी. अगर आप लोगों ने वो असेसमेंट जो है वो कर ली है तो आई होप सो कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 जो है वो प्रिपेयर हो गया होगा. राइट, आज हम फर्दर अपनी रिवीजन कंटिन्यू करते हैं एंड दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके रिगार्डिंग योर पेपर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं विद क्लाउड कंप्यूटिंग. सो व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली इज़ यू कैन से दैट कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि देखें, आप लोग अपना डेटा, जितना भी हमारा डेटा होता है हमारे सिस्टम के अंदर, हर चीज़ में एक स्पेस होती है. ठीक है, लाइक आपके सिस्टम जो है उसमें एक मेमोरी है कि इतना इतनी मेमोरी जो है वो स्टोर हो सकती है आपके सिस्टम के अंदर, इतना डेटा अपना ये मेमोरी जो है वो स्टोर कर सकती है. तो अगर आपका डेटा जो है वो लार्ज डेटा है और वो उस मेमोरी की लिमिट से एक्सीड कर जाता है, देन हमारे पास, या हम लोग अपना सम टाइम क्या करते हैं, अपनी ड्राइव में इतना ज़्यादा डेटा डाल लेते हैं कि वो डेटा जो है वो फुल हो जाता है. ठीक है, और फर्दर जो है वो हम उसको डिलीट भी नहीं कर सकते बिकॉज दिस दैट डाटा वाज वेरी इम्पॉर्टेंट. तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग उसके लिए एक अलग से स्टोरेज रिक्वायर होती है. तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो हमारी इंटरनल स्टोरेज होती है उसकी बजाय हम क्या करते हैं कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू अपना डेटा स्टोर करवाते हैं. लाइक हम लोग क्या करते हैं कि लाइक आप लोग जैसे गूगल अगर यूज़ करते हैं, लाइक आप जीमेल पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो वहाँ पे आप लोगों ने समटाइम नोटिस किया होगा गूगल ड्राइव होती है. ठीक है, तो गूगल ड्राइव का क्या मतलब है कि वो एक एक्सटर्नल स्टोरेज है जो कि हमें इंटरनेट के थ्रू जो है वो मिली हुई है. तो हम क्या करते हैं कि अपना सारा डेटा, जिस तरह से हम लोग अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप वगैरह में सेव करते हैं, अगर उसमें हम डेटा सेव नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं, उस एक्सटर्नल जो हमारी एक ड्राइव है जो कि हमें इंटरनेट के थ्रू मिली हुई है, हम उसके अंदर अपना डेटा को स्टोर करवा सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारे पास जो एडवांटेज है डेटा को स्टोरेज कराने स्टोर करवाने का आउटसाइड आर लोकल स्टोरेज, वो किस तरह से हो रहा है. ठीक है, तो वो बेसिकली हमें क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है. क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना डेटा को स्टोर करवा सकते हैं और अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू. ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग और सेविंग द डेटा इन आर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव, हम लोग क्या करते हैं कि वो डेटा इंटरनेट के थ्रू, उस इंटरनेट पे जो हमें स्टोरेज मिली हुई है उसमें हम क्या करते हैं, अपना डेटा को स्टोर करवा देते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो गूगल ड्राइव होती है उसके ऊपर अपना डेटा सेव करवा सकते हैं. ठीक है, ड्रॉप बॉक्स होता है एक, वो भी हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज है जो कि इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, उसमें हम अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं. लाइक आपका जो इंटरनल कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें अगर स्पेस नहीं है फ़र्ज़ करें, या उसके अलावा आपने अपना डेटा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सेव करवाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल यूज़ करेंगे. इसका एक एडवांटेज ये होता है कि आपके जो, अगर आप गूगल ड्राइव पे अपना डेटा सेव कर लेते हैं तो इसका क्या एडवांटेज है कि आपको अपनी लोकल हार्ड ड्राइव के ऊपर डेटा स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, क्योंकि आपका वो डेटा इंटरनेट के थ्रू हमने हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट के थ्रू किधर सेव करवा दिया है, अपने एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर करवा दिया. इससे क्या होता है कि हमारे जो लोकल सिस्टम है, जो हमारा लोकल स्टोरेज मेमोरी है, उसमें हमारी जो स्पेस होती है वो बच जाती है और हम उसके अंदर और डेटा डाल सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका लार्ज डेटा है और आपके जो लोकल हार्ड ड्राइव है, आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है, उसके अंदर डेटा स्टोर नहीं हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करवाने के लिए हम लोग इंटरनेट के थ्रू अपनी जो एक्सटर्नल स्टोरेज होती है उसके अंदर डेटा को स्टोर करवा सकते हैं. अब हमें ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो एडवांटेज है या ये जो एक सर्विस है, ये हमें कौन कौन सी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं? अमेज़ोन का आपने नाम सुना होगा, IBM का नाम सुना होगा, ये दो कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि हमें क्या करती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि हम इनको यूज़ करके इनके थ्रू क्या करते हैं, इंटरनेट पे अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं. सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, ये डेटा को स्टोर कराने के लिए बहुत फ्लेक्सिबल है एंड इट प्रोवाइड एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू आर लोकल ड्राइव जिसके अंदर हम अपना डेटा को स्टोर करवाते हैं.
ठीक है, कि ये फ्लेक्सिबिलिटी एक आ गई है हमारी डेटा की स्टोरेज के लिए, और विद रिस्पेक्ट टू डेटा स्टोरेज एफिशिएंसी आ गई है कि हम अपना डेटा, अगर लार्ज डेटा है तो हम उस डेटा को बजाय इसके कि ये सोचेंगे अब हम अपने कंप्यूटर के अंदर से प्रीवियस डेटा को डिलीट करें और हम अपना नया डेटा डालें, हम लोग क्या करते हैं उसी इंपॉर्टेंट डेटा को अपनी गूगल ड्राइव पे या ड्रॉप बॉक्स पे या हमारी जो इंटरनेट के थ्रू जो भी हमें स्टोरेज या मेमोरी रिक्वायर मिली हुई होती है उसके ऊपर हम इसको स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। गोइंग फॉरवर्ड हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एज यू ऑल नो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, नॉर्मली हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अब वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करी है, या जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक इंटरफेस है जो कि यूज़र के और कंप्यूटर के दरमियान में लिंक प्रोवाइड करने के लिए, इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेसिकली द इंटरफेस दैट प्रोवाइड द इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड आर कंप्यूटर सिस्टम। और बेसिकली जो हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें वो हम क्या यूज़ करें, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें। ठीक है, आप लोगों के सिस्टम में विंडो 10 होगी, विंडो 7 होगी, विंडो 8.1 होगी, इस तरह से। तो ये सारी विंडोज़ क्या हैं, ये हमारे बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं अपना डेटा, अपना हम जो यूज़र्स हैं वो अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। देखें, अगर आपकी विंडो नहीं होगी तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर विंडो ठीक होगी तो आपका सिस्टम काम करेगा और हमारी जो भी इनपुट्स जो हैं वो हम दे रहे होंगे उनके रिगार्डिंग आपका कंप्यूटर आउटपुट दे रहा होगा। तो बेसिकली दिस इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस, अपने डिफरेंट प्रोसेसेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है कि हमारा एक प्रोग्राम होता है, जब उस प्रोग्राम को, मतलब हमारा जो सोर्स कोड है उसको जब हम क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है, जब वो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की स्टेट में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके थ्रू हम डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उनको मैनेज कर सकते हैं। लाइक हमारा जो CPU है, या हमारा जो CPU है उसको डिफरेंट IO रिसोर्सेज, IO डिवाइसेस के थ्रू इनपुट जा रही है और वो हमें उनके रिगार्डिंग आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है कि आपका जो इनपुट्स हैं वो आपकी सिंगल इनपुट भी हो सकती है और वो इनपुट जो है वो मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकती हैं। तो ओवरऑल क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने जो प्रोसेसेस होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोसेस को इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं कि जब भी एक प्रोसेस जो है उसको एग्जीक्यूशन रिक्वायर होती है तो उसको रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं, उसको इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज रिक्वायर हो सकते हैं, उसको मेमोरी रिक्वायर होती है, या उसको CPU जो है वो रिक्वायर होता है। ठीक है, CPU ही मेमोरी बेसिकली एलोकेट कर रहा होता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है कि जब भी प्रोसेस को ये सारी रिसोर्सेज मिल जाते हैं देन वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, और ये सारा जो ओवरऑल मैनेजमेंट है प्रोसेस की वो कौन कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। देन हम क्या करते हैं, मेमोरी को मैनेज करते हैं। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अपनी मेमोरी को भी मैनेज कर रहे होते हैं। लाइक अब हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस आ रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनको मेमोरी एलोकेट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन इज़ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। जितनी भी हमारी इनपुट और आउटपुट्स होती हैं उनको मैनेज करने के लिए भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक हम अपने उससे कीबोर्ड से, या हम लोग जो भी अपने सिस्टम को इनपुट दे रहे होते हैं उसके रिगार्डिंग हमें ऑब्वियसली एक आउटपुट रिक्वायर होती है। तो वो आउटपुट किस तरह से रिक्वायर होती है, हम इनपुट देते हैं, हमारा जो प्रोसेसर होता है बेसिकली वो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। ठीक है, उसको डिफरेंट रिसोर्सेज दिए जाते हैं, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, अगर इनपुट हमने भेजनी है, हमें इनपुट डिवाइस रिक्वायर होगी, उसके लिए हमें कोई मेमोरी रिक्वायर होगी, वो मेमोरी हमें CPU एलोकेट करेगा। मेमोरी मिल गई, मेमोरी मिलने के बाद प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा एंड देन हमारे पास क्या होगा, हमें एक आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, तो वो जो मेमोरी एलोकेशन का काम है वो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है कि किस प्रोसेस को किस टाइम पे कितनी मेमोरी एलोकेट करनी चाहिए। ठीक है, इधर के वो सिंगल इनपुट आ रही है या हमारे पास मल्टीपल इनपुट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो ये बेसिकली इसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है IO को मैनेज करना। देन हम लोग अपने सिस्टम के अंदर डिफरेंट, आप लोग क्या करते हो कि आप लोग डिफरेंट जो है वो फोल्डर्स बना रहे होते हैं, उनके अंदर आप डिफरेंट जो है वो फाइल्स रख रहे होते हैं, या आप लोग इमेजेस डाल रहे होते हैं, या वीडियोस अक्सर डाल रहे होते हैं। तो ये सारे काम क्या होते हैं, जो कि बेसिकली हमारी ड्राइव्स के अंदर डेटा पड़ा होता है फाइल्स और फोल्डर्स की फॉर्म में, तो वो भी क्या है कि
उन फाइल्स को मैनेज करने का काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। वो किस तरह से मैनेज कर रहा है, बेसिकली हम जब भी अपनी विंडो करते हैं तो उसमें अपनी ड्राइव्स बना लेते हैं, ठीक है। बेसिकली वो क्या होता है कि हम अपनी मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं कि हमारी 3 या 4 ड्राइव्स हैं जिनके अंदर हमारा डेटा जो है वो स्टोर होना है, ठीक है। और उन ड्राइव्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने फाइल्स और फोल्डर्स जो हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, उन फाइल्स और फोल्डर्स के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं और उनको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उनके अंदर से हम डेटा को मूव भी कर सकते हैं, किसी दूसरी फाइल के अंदर कॉपी भी कर सकते हैं, उधर अगर रिक्वायर्ड डेटा नहीं है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को सर्च भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। ओवरऑल दीज आर द फंक्शंस जो कि फाइल मैनेजमेंट के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइल मैनेजमेंट है उसको ओवरऑल या जनरली कौन मैनेज कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है। देन द अदर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्सेज जो रिक्वायर होते हैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। एक एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जब भी हमें कोई रिसोर्सेज रिक्वायर है, रिसोर्सेज क्या रिक्वायर है, लाइक हमें प्रोसेसर में मेमोरी रिक्वायर है सबसे बड़ा रिसोर्स, के जब भी किसी चीज़ को एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है तो सबसे पहले वो मेमोरी क्रिएट होगी, उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हमें क्या होगा कि प्रोसेसर सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करेगा जब भी कोई इनपुट आ रही होगी, ठीक है। इस इनपुट के रिगार्डिंग जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे रिसोर्सेज CPU एलोकेट करेगा या फिर हमारे प्रोसेस को दिए जाएंगे। और ये डिपेंड करता है कि हमारे यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है, जो यूज़र इनपुट दे रहा है उसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जो रिसोर्सेज हैं वो रिक्वायर हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर हैं, ठीक है। तो उस बेस पे जो है वो रिसोर्स को मैनेज किया जा रहा होता है। देन आपके पास थर्ड चीज़ लास्ट चीज़ आ जाती है, यूज़र मैनेजमेंट, ठीक है। कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और काम भी क्या है कि वो यूज़र्स को मैनेज करता है, ठीक है। यूज़र्स को मैनेज करने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल देखिए हम लोग अब एक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उस सिस्टम को रन करने के लिए हमें उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, ठीक है। लाइक एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको हमने सारे कंट्रोल्स दे दिए हैं, लाइक जितने भी हमारे पासवर्ड्स होते हैं वो पासवर्ड्स जो है वो एडमिन के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। उन पासवर्ड्स को स्टोर करना, उन पासवर्ड को जो है वो उनको मैनेज करना, उन्हें सेव करना, ठीक है। ये सारा काम क्या होता है, ये यूज़र एंड पे हो रहा होता है। तो ये सारे काम जो है ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने पासवर्ड को लगा सकते हैं, अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, ये डिफरेंट पर्सनल फाइल्स या फोल्डर्स हैं उनको सेव या क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली यूज़र के काम है जो कि यूज़र जो है वो उसको मैनेज करने होते हैं। और वो यूज़र किस तरह से मैनेज कर रहा होता है, वो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके मैनेज कर रहा होता है, ठीक है जी। तो दीज आर द बेसिकली फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, के ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है जिसके थ्रू हमारे हम लोग जो यूज़र्स होते हैं वो डायरेक्टली अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, या हमारे जितने भी काम हो रहे होते हैं, लाइक हम लोग प्रोसेसेस जो हैं वो हमने डिफरेंट एग्जीक्यूट करने हैं, या हमने मेमोरी किसी प्रोसेस को मेमोरी रिक्वायर है वो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करनी होती है वो रिक्वायर है, या फाइल्स को मैनेज करना होता है, या हमें डिफरेंट IO डिवाइसेस या डिफरेंट रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं वो, या फिर हमें डिफरेंट पासवर्ड्स वगैरह की जो अगर कंट्रोल या अथॉरिटी रिक्वायर होती है, तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल कौन हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आ रही होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस, ठीक है। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक अब अभी जो आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरफेस नज़र आती है वो हमारे पास बड़ी जो है ना वो इंटरेक्टिव सी है, जो कि बड़ी इंटरेक्टिव सी इंटरफेस है, जिसके थ्रू जिसको हम बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास देखें हर चीज़ आपको डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स बने और आइकन्स की फॉर्म में वो चीज़ें हमें इजीली समझ आ जाती हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था, ठीक है। कुछ और टाइप्स के भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लाइक हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस होती है। कमांड लाइन इंटरफेस क्या है, कमांड्स जिसमें हम कमांड्स देते हैं, ठीक है, डॉस कमांड्स देते हैं। कमांड्स का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कॉपी करना है तो हम CPY की एक कमांड लिखेंगे, ठीक है। हमें मूव करना है तो हम MV की एक कमांड लिखेंगे। तो ये डिफरेंट कमांड्स होती हैं। अगर हमने एक डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी जो है उसको डिस्प्ले करना है, लाइक एक करंट जो हमारे पास फोल्डर है, ठीक है, उसको अगर हमने ओपन करना है तो हम उसके लिए DIR की कमांड यूज़ करेंगे। तो ये सारी हमारे पास कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, हमारा जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट कमांड्स दे रहे होते हैं और उन कमांड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ रहा होता है, आउटपुट आ रही होती है। तो दिस मेथड इज़ क्वाइट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो कमांड लाइन इंटरफेस बेसिकली क्या काम करता है, कमांड्स आर गिवन टू द कंप्यूटर विद कीबोर्ड, ये टेक्स्चुअल इनपुट प्रोवाइड करती है, ठीक है। टेक्स्ट की फॉर्म में हमारे पास इनपुट जो है वो प्रोवाइड की जाती है,
ठीक है, देन द यूज़र टाइप्स इन अ कमांड एंड प्रेस एंटर की टू एग्जीक्यूट इट डॉस एंड यूनिक्स. डिफ़िकल्ट टू यूज़ बिकॉज यूज़र्स हैव टू रिमेंबर द कमांड्स टू परफॉर्म एनी टास्क. ठीक है, अब देखें ये डिफ़िकल्ट इसलिए कि हम यहाँ पे सारा काम कमांड्स के थ्रू करें, हमें कुछ विजुअल नज़र नहीं आ रहा है, हम लोग को वो कमांड्स याद करनी पड़ती हैं. अगर वो कॉपी करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कमांड है कि आपको वही कमांड देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका जो आउटपुट होगा वो नहीं आएगा, मिस्टेक आ जाएगी, एरर आ जाएगा. तो हमारे पास जो कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं वो क्वाइट डिफ़िकल्ट भी होते हैं एज़ वेल एज़ वो बोरिंग भी थे. ठीक है, देखें आप लोगों को कमांड्स याद करनी पड़ती हैं, कंसोल स्क्रीन होती है ब्लैक कलर की फॉर्म में और उसके ऊपर आपको सारी जो है वो चीज़ें इनपुट देनी पड़ती हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट या कमांड्स देनी पड़ती हैं. तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस है. इसी तरह हमारे पास क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर ही एक दूसरा इंटरफेस आ जाता है, बेसिकली डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी बेसिकली कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और उसको हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. ठीक है, ये कमांड लाइन इंटरफेस की एक टाइप है. डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हम बेसिकली क्या होते हैं, इनके अंदर भी हम कमांड्स को ही यूज़ करते हैं. ऑब्वियसली देखें ये अगर कमांड लाइन इंटरफेस का है, उसकी टाइप है, तो उसके अंदर भी वही वाला काम हो रहा होगा जो कि हमारा कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर जनरली हो रहा होता है. ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, डिस्प्ले द प्रॉम्प्ट. ये देख सकते हैं आप लोग, ये प्रॉम्प्ट है. ठीक है, सी कॉलन इसके बाद स्लैश एंड देन ये आपके पास ग्रेटर देन का साइन है. ठीक है, टू एंटर द कमांड्स, के जब भी आपको कमांड एंटर करनी होती है तो सबसे पहले आपके पास ये एक प्रॉम्प्ट आ जाती है. ठीक है, प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पे इसके बाद, इसका क्या मतलब है कि इस चीज़ के आगे हम लोगों ने कुछ भी लिखना है, लाइक कॉपी करना है तो हम इसके आगे कॉपी की कमांड लिखेंगे एंड देन हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास वो जो भी डेटा होगा वो कॉपी की फॉर्म में आ जाएगा. यूज़र मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ कमांड. अब कमांड का सिंटैक्स जो है, उनको लिखने का जो तरीका है, सिंटैक्स होता है बेसिकली फॉर्मेट या किसी चीज़ को लिखने का तरीका, वो भी उसको पता होना चाहिए इस केस के अंदर. लाइक अब देखें, ये आप लोग देख सकते हैं कि सी है, उसके बाद कॉलन है. अगर यहाँ पे सेमी कॉलन हम लिख देंगे तो ये मिस्टेक करेगा, इसका सिंटैक्स गलत हो जाएगा. इसका सिंटैक्स यही है और यही रहेगा. ठीक है, अदरवाइज़ हमारे पास एरर आएगा. तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उसका एक जो ड्रॉबैक है वो ये भी है कि उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कमांड्स का सिंटैक्स हमें याद करना पड़ता है. ठीक है, एक हमें कमांड्स याद करनी पड़ती हैं एज वेल एज हमें कमांड्स का सिंटैक्स भी याद करना पड़ता है. सो यू कैन से दैट के जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स होती हैं वो उनको याद करना डिफ़िकल्ट है. ऑब्वियसली देखें कि अगर आप लोगों को एक चीज़ जो है वो लिखी हुई चीज़ याद करनी पड़े और अगर आपको वही चीज़ जो है वो विजुअल फॉर्म में नज़र आ रही हो तो उन चीज़ों, उन दोनों में डिफरेंस होता है, उन दोनों को रिमेंबर करना डिफरेंट होता है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, सम डॉस कमांड आर स्टिल सपोर्टेड बाय न्यू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ अ सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब एक एट अ टाइम एक यूज़र भी उनको ऑपरेट कर सकते हैं और एट अ टाइम मल्टीपल यूज़र्स भी ऑपरेट कर सकते हैं. तो बेसिकली हमारे पास जो डॉस कमांड्स होती हैं वो हमारे जो न्यू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, बट उसमें कम है. ठीक है, उसमें विजुअल आइकन्स की फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा हैं, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो ज़्यादा है, वो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है. बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे वो बड़ी बोरिंग सी जो है ना वो हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जो हमारे पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम थे या कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम थे. क्यों बोरिंग थे, क्योंकि वो एक तो डिफ़िकल्ट थे. वो डिफ़िकल्ट क्यों थे, क्योंकि उनमें कमांड्स को हम यूज़ करते थे, वो टेक्स्ट बेस्ड थे. ठीक है, टेक्स्चुअल इनपुट की इनपुट हमें देनी पड़ती थी और उसमें हमें कमांड्स का सिंटेक्स भी याद करना पड़ता था. तो बेसिकली अगर आपके क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो कमांड्स की बेस पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, उनके अंदर हम टेक्स्चुअल इनपुट देते हैं जिसकी वजह से हमें वो कमांड्स जो होती हैं वो याद करना बहुत मुश्किल होता है और ओवरऑल वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिफ़िकल्ट होते हैं टू एग्जीक्यूट एनी कमांड. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसकी एक दूसरी टाइप है, दैट इज़ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं, बट वो क्या होते हैं, वो हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो भी कमांड लाइन इंटरफेस थे, लेकिन वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम थे. लेकिन जो हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो भी कमांड लाइन इंटरफेस ही है या कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. ठीक है, लेकिन वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. दैट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1969.
allow multiple users to run different programs at the same time. Unix was developed for the use on the large computer systems. ठीक है, आपको ये भी डिफरेंस आ सकता है पेपर में कि Unix और DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या है. तो आप लोगों को सबसे पहले इनका डिफरेंस ये पता होना चाहिए कि ये मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, और जो DOS है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, ये जो है ये एट अ टाइम मल्टीपल जो यूज़र्स होते हैं उनके थ्रू जो प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम रन किए जा सकते हैं. लेकिन जो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें एट अ टाइम सिर्फ सिंगल यूज़र ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है. तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया कि ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं. ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरफेस है जो कि क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस. और वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड हुई है, एक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और एक हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके अलावा हमारे पास मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस भी होती हैं और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होती हैं. ये दो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरफेसेस ही हैं. देन हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ठीक है, अब जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका बेसिकली क्या काम होता है, आपको इनके नाम से ही पता चल गया होगा कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम एक पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ एक ही यूज़र को एक्सेस दे सकते हैं. सिर्फ एक ही यूज़र जो है एट द सेम टाइम उस वक्त सिस्टम को यूज़ कर सकता है. तो इसलिए हम उसको सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि सिंगल यूज़र एट अ पर्टिकुलर टाइम एक काम कर सकता है. ठीक है, अब इसको देख लेते हैं. देखें, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अलाउ अ सिंगल यूज़र टू लॉग इन एंड यूज़ द कंप्यूटर एट द सेम टाइम, इट इज़ ईजी टू यूज़. ठीक है, कि एक सिंगल यूज़र जो है वो सिस्टम को लॉग इन कर सकता है और उसको यूज़ कर सकता है, एंड दे आर ईजी टू यूज़. जाहिर है कि एक पर्टिकुलर टाइम में अगर एक ही काम होगा तो अटेंशन भी डाइवर्ट नहीं होगी और वो काम प्रॉपरली हो जाएगा और टाइम टेकिंग भी कम होगा. अगर दो होंगे तो वो पैरेलल दो चलेंगे तो उस टाइम में क्या होगा कि उनका टाइम जो होगा एग्जीक्यूशन टाइम भी ज़्यादा होगा. ठीक है, मेमोरी भी ज़्यादा रिक्वायर होगी और उस केस में हमारे पास सिस्टम जो होगा वो हमारा स्लो परफॉर्मेंस करेगा. ठीक है, इसके बाद क्या रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर सच एज. अब कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या है, CPU है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर नॉट शेयर्ड विद द अदर कंप्यूटर्स. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में हमारे पास क्या होता है, जो कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं उनको हम शेयर नहीं कर सकते हैं. लाइक एक प्रोग्राम है, एक टाइम के अंदर वही प्रोग्राम CPU को यूज़ करेगा, वही प्रोग्राम मेमोरी, उसको मेमोरी एलोकेट की जा रही होगी और वही प्रोग्राम जो भी उसको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज रिक्वायर होंगी उनको वो यूज़ कर रहा होगा और उनको शेयर नहीं कर सकता है इन केस ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. ये हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ होते हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से पढ़ ली हैं. ठीक है, दीज आर द डिजिटल कंप्यूटर्स और इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जा रहा होता है. अच्छा जी, इसके बाद क्या, यूज़र कैन ओपन मैनी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम एंड स्विच अमंग देम एज रिक्वायर्ड. ठीक है, कि यूज़र जो होते हैं वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या करते हैं कि उनकी जो स्विच उनको जो रिक्वायर होते हैं रिसोर्सेज उनके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे होते हैं. लाइक एक प्रोग्राम को अगर जो CPU मेमोरी रिक्वायर है, ठीक है, उसको हमने CPU एलोकेट कर दिया, अगर उसको वेरी नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे प्रोसेस को जो है वो मेमोरी रिक्वायर है तो वो जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस या तो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा. ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोसेस है उस टाइम में कौन सा किस टाइप का प्रोसेस चल रहा है. ठीक है, तो उस केस में हमारी जो है वो स्विचिंग होगी प्रोसेस की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इसके बाद हमारे पास क्या है कि सिंगल यूज़र का केस जो है उसमें कॉस्ट भी कम होती है और उसमें मेमोरी भी लेस रिक्वायर होती है. क्यों, क्योंकि एक टाइम में सिर्फ एक ही अगर प्रोग्राम चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस वही प्रोग्राम मेमोरी ले रहा होगा और हमें मेमोरी कम मेमोरी रिक्वायर होगी और उसकी कॉस्ट जो होगी वो भी कम होगी. इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या जाती है, विंडोज़ 95, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, ये सारे जो हैं ये हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, इनके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम सिंगल जो टास्क होता है वो परफॉर्म हो रहा होता है. देन हमारे पास क्या है नेक्स्ट जो है वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑपोजिट टू द सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें देखें मल्टीपल यूज़र्स एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मल्टीपल यूज़र लॉग इन टू द सिंगल बिग कंप्यूटर.
ठीक है, इट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू लॉग इन टू सिंगल बिग कंप्यूटर एंड रन डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम. क्या एट द सेम टाइम पैरेलल बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूशन कर सकते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. और इसके अंदर रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर किए जा रहे होते हैं. ठीक है, जो प्रीवियस था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें हम रिसोर्सेज को शेयर नहीं करते थे, लेकिन मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं. जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था वो माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ हो रहा था, लेकिन जो हमारे पास मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ हो रहे थे. लाइक फॉर एग्जांपल देखें, एडमिनिस्ट्रेटर है. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसने उसका क्या काम होता है कि वो जितने भी यूज़र नेम्स होते हैं या पासवर्ड्स वगैरह होते हैं सिस्टम के ऊपर, उसकी सारा ही जो एक्सेस हो या कंट्रोल होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है. ठीक है, तो ये क्या है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटर है और वो मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, उनको असाइन भी किए जा रहे होते हैं, साथ में वो क्या कर रहा होता है, उनको मैनेज भी कर रहा होता है. देन हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर लार्ज मेमोरी रिक्वायर होती है, कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, और इसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग का काम भी हो रहा होता है. ठीक है, एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोग्राम्स भी रन हो रहे होते हैं, और एट द सेम टाइम जब वो टाइम जो होता है वो भी शेयर हो रहा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में. लाइक यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली एक इंटरफेस है जो कि यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में लिंक प्रोवाइड करने के लिए या उनका इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं. फर्दर हमने पढ़ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं. उनका हमने डिफरेंस देख लिया कि वो बेसिकली क्या होते हैं. देन हमने देख लिया कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं. लाइक वो कमांड लाइन इंटरफेस भी प्रोवाइड करते हैं, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करते हैं, वो मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंटरफेस भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, हमने उनको देख लिया कि जो कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं वो हमारे पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. फिर हमने देख लिया कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका क्या डिफरेंस है. एक सिंगल यूज़र है और एक हमारे पास मल्टी यूज़र जो है वो फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है. ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस देखे थे. ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, मेमोरी मैनेज कर सकता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट एज वेल एज यूज़र मैनेजमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. आप लोगों ने इन्हीं को अपनी बुक से याद करना है एंड देन आप लोगों ने इनको पेपर के लिए प्रिपेयर करना है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.